हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत इंद्रिय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंद्रियों के लक्षण अर्थात इंद्रियाणाम लक्षणम। साथ ही साथ बात करेंगे नंबर्स ऑफ इंद्री अर्थात इनुमरेशन ऑफ इंद्री। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन उसके और इंद्रिय पंचपंचक के बारे में बात करेंगे। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए स्टार्ट करते हैं इंद्री अर्थात इंद्रिय लक्षणम। तो आपके सिलेबस में क्या भी लिखा हुआ है, इंद्रियाणाम लक्षणम ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। तो इंद्रियों के लक्षणों के बारे में बताना है। जैसा कि जानते हैं जो इंद्रिय शब्द है, इंद्रिय शब्द किससे बना है, इंद्र से बना है। इंद्रिय शब्द किससे बना हुआ है, इंद्र से बना है। इंद्र जो भगवान इंद्र थे, तो कहते ना थे कि भगवान इंद्र, तो भगवान इंद्र मतलब इंद्र शब्द, इंद्रिय शब्द जो है इंद्र से बना हुआ, जिसका मतलब होता है आत्मा। इंद्र का मतलब क्या होता है, आत्मा। आत्मा के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान की प्राप्ति में सहायक कौन होता है, मन, है ना। आत्मा आत्मा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन सहायक के रूप में कौन होता है, मन होता है, इंद्रियां होती है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि इंद्रिय के लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो इंद्रिय से लिंगम इंद्रम, इंद्रिय से लिंगम इंद्रम इंद्रियम, ठीक है ना। तो इंद्र का जो लक्षण है अर्थात जो आत्मा के जो लिंग है लक्षण है, दैट इज कॉल्ड इंद्रिय। अर्थात जो आत्मा के लिंग या लक्षण है उसी को हम लोग इंद्रिय बोलते हैं। तो इंद्रिय क्या है, इंद्र के मतलब इंद्र सबसे बना है, इंद्र का मतलब आत्मा। अर्थात जो आत्मा के लक्षण बताए गए हैं वही लक्षण इंद्रिय के होते हैं। उसको देखेंगे इंद्रेण दृष्टम इंद्रियम अर्थात आत्मा इंद्रिय के द्वारा, इंद्र के द्वारा। इंद्रेण मतलब तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से है ना, तो करण वाला तृतीय विभक्ति। तो इंद्रेण दृष्टम इंद्र के द्वारा देखा गया अर्थात आत्मा के द्वारा जो भी चीजें देखी जाती है उसको हम लोग इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रेण सृष्टम इंद्रियम, सृष्ट का मतलब होता है क्रिएशन। सृष्ट का मतलब क्या होता है, जैसे क्रिएशन है ना, उत्पत्ति। तो इंद्रियण मतलब आत्मा के द्वारा जो सृष्ट अर्थात उत्पन्न किया गया है उसे ही हम लोग इंद्रिय बोलते हैं। तो यहाँ पर तीन पॉइंट के द्वारा हम लोगों ने इंद्रिय के लक्षण के बारे में जाना। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इनुमरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंद्रिय अर्थात इंद्रियों की संख्या और इंद्रियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो हम लोग जानते हैं इंद्रियों की संख्या कितनी होती है, इंद्रिया एकादश बोली गई है। इंद्रिय एकादश बोली, एकादश का मतलब, एकादश मतलब दस प्लस एक ग्यारह हो गई। तो यहाँ देखेंगे इंद्रिया कितनी होती है, ग्यारह होती है। अब बात करते हैं ये ग्यारह इंद्रिया कैसे होती है, तो उसके बाद करेंगे वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे इंद्रियों को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुख्यतः देखा जाए मुख्यतः दो है लेकिन तीन में किया गया है, ज्ञानेन्द्रिय, उभयेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय। जो उभयेन्द्रिय है उसमें सिर्फ एक आता है। उभयेन्द्रिय में जैसा कि आप लोग जानते हैं मन, उभयेन्द्रिय में क्या होता है, मन होता है, सिर्फ एक होता है। लेकिन जो ज्ञानेन्द्रियां होती है वो पांच होती हैं, कर्मेन्द्रियां होती हैं वो पांच होती हैं। जो ज्ञानेन्द्रियां हैं जिनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वहां पांच ज्ञानेन्द्रियां बताई गई है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय है ना, श्रोत्र इंद्रिय का मतलब क्या होता है, कर्म क्या है, शब्द का ग्रहण। श्रोत्र मतलब कर्ण से संबंधित है, श्रोत मतलब कर्ण, श्रोत इंद्रिय मतलब शब्द का ग्रहण करते हैं। त्वक इंद्रिय का जो काम है वो स्पर्श का ग्रहण करते हैं, टच करना, तो फीलिंग आना। और चक्षु इंद्रिय का काम है रूप का ग्रहण, हम आंखों से कोई चीज देखते हैं, आंखों मतलब चक्षु इंद्रिय, आंखों में नेत्र में, तो उसके द्वारा कोई चीज रूप देखते हैं। जिह्वा इंद्रिय, जिह्वा के द्वारा टेस्ट लेते हैं, रस ग्रहण होता है। और घ्राण इंद्रिय मतलब जो जिसके द्वारा स्मेल किया जाता है, उसके द्वारा गंध की, गंध का ज्ञान होता है, ग्रहण होता है। उसी तरह से देखेंगे हम लोग कर्मेंद्रिय के बारे में, तो कर्मेंद्रिया भी पांच बताई गई हैं। देखेंगे वाक पाड़ी उपस्थ पायुपाद, तो याद रखिएगा वाक पाड़ी उपस्थ पायुपाद। तो वाक का मतलब होता है बोलना, वाक का मतलब होता है, वाक का क्या मतलब होता है, वचन, वचन मतलब बोलना है ना, माउथ है, तो उसके साउंड प्रोडक्शन जो भी आर्गन टोटल आ जाएंगे उसमें वाक इंद्रिय में आ जाएंगे। पाड़ी, पाड़ी मतलब हाथ है ना, हाथ का क्या काम है, आदान, आदान का मतलब लेना और देना, भाई कोई चीज ले रहे हैं कोई चीज दे रहे हैं, तो हाथ का काम है, दैट इज कॉल्ड पाड़ी का काम क्या है, आदान। उपस्थ, उपस्थ को हम लोग बोलते हैं मूत्र इंद्रिय, उपस्थ को क्या बोलते हैं, मूत्र इंद्रिय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उपस्थ इंद्रिय का नाम क्या है, मूत्र इंद्रिय है। इसका काम है आनंद, आनंद की प्राप्ति, भोग विलास इत्यादि जो है वो
उपस्थ इंद्रिय का काम है। अगला देखेंगे पायु, पायु मतलब गुद, गुद द्वारा तो क्या होता है मल त्याग होता है, विसर्ग होता है, तो यहाँ पर विसर्ग की बात कर रहा है, मल का त्याग होना। उसको देखेंगे लास्ट में जाएगा पाद मतलब पैर, जो पाद इंद्रिय है पैर है उसका क्या काम है विहरण, विहरण मतलब चलना फिरना, विहरण का मतलब क्या होता है चलना और फिरना। तो ये बेसिक आपके क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब आइए बात करते हैं इंद्रिय पंच पंचक, आपके एग्जाम में कमेंट के रूप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपरों में पूछा जाता है इंद्रिय डिफाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंद्रिय पंच पंचक, ऐसा सिलेबस में दिया हुआ है इंद्रिय पंच पंचक। ऐसा देखेगी इंद्रिय पंच पंचक, तो पंच पंचक का क्या मतलब है, तो यहां पर एग्जैक्ट देखेंगे पंच पंचक का मतलब 5 × 5 = 25, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर पांच चीजें हैं, जैसे इंद्रिय है ना, पांच इंद्रिय से संबंधित है और हर एक के पांच पांच चीजें होती है। जैसे पहला चीज क्या है तो देखेंगे इंद्रिय पंच इंद्रिय है ना, पंच इंद्रिय, दूसरा पंच इंद्रिय द्रव्य, तीसरा पंच इंद्रिय अधिष्ठान, चौथा पंच इंद्रिय अर्थ, अर्थ का मतलब विषय, और पांचवा जो होती है पंच इंद्रिय बुद्धि, बुद्धि का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, किस इंद्रिय द्वारा कौन सी ज्ञान की प्राप्ति होती है, कौन सा ज्ञान का ग्रहण होता है, उसको हम लोग पंच इंद्रिय बुद्धि कहते हैं, बुद्धि जो है ज्ञान का पर्याय स्वरूप होता है। तो आइए चरक ने सूत्र स्थान के 8वें चैप्टर में इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय के अंतर्गत ये इंद्रिय पंच पंचक का वर्णन किया है, तो रिफरेंस आपको याद होना चाहिए बच्चों। उन्होंने क्या बोला है देखेंगे, यह खलु मतलब यह खलु मतलब इस अध्याय में क्या वर्णित है पंच इंद्रियाणी, तो पंच इंद्रियों का वर्णन है, पंच इंद्रिय द्रव्याणी, पांच जो इंद्रियां होती है उनके पांच द्रव्य क्या क्या होते हैं, तो पंच इंद्रिय द्रव्य का वर्णन किया गया है, पंच इंद्रिय अधिष्ठानी जो इंद्रियां होती है उसके पांच अधिष्ठान होते हैं, हर एक इंद्रियों का एक आश्रय स्थल होता है, घर होता है, उसको पंच इंद्रिय अधिष्ठानी बोलते हैं, और पंच इंद्रिय अर्थ अर्थात पांचों इंद्रियों के हर एक इंद्रिय का कोई ना कोई एक विषय फिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पंच इंद्रिय अर्थ। उसको देखो पंच इंद्रिय बुद्धियों, तो प्रत्येक इंद्रिय के कोई ना कोई जो जो ज्ञान का ग्रहण होता है उसको बोलते हैं पंच इंद्रिय बुद्धि। तो आइए देखते हैं एक एक करके, तो यहाँ पर पांच, यहाँ पर जो इंद्रियों की बात कर रहे हैं वो है ज्ञानेंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय है, जैसे श्रोत्र ज्ञानेंद्रिय, तो इसका जो पंच इंद्रिय द्रव्य होगा, जैसे पहले पंच इंद्रिय देख लेते हैं, तो श्रोत्र स्पर्शन चक्षु रसन घ्राण, श्रोत्र मतलब सुनने के लिए जो कर्ण होता है, स्पर्शन मतलब स्किन त्वचा की बात करते हैं, चक्षु जो नाम है बच्चों वही लिखना है अपने मन से, इसमें ऐसा नहीं लिख देना है, जो श्लोक में टर्म आया है वही लिखना है, क्योंकि आप देखोगे पंचेंद्रीय अधिष्ठान, तो ये दो पॉइंट आपको विशेष तौर से डिफ्रेंशिएट कर लेना है कि स्रोत्र क्या है, जैसे पंचेंद्रीय और पंचेंद्रीय अधिष्ठान। तो यहां पर देखेंगे अगर हम बात करें स्रोत्र ज्ञानेंद्रिय जो होती है उसका अधिष्ठान क्या है, कर्ण है, अगर आप कर्ण इंद्रिय कह दोगे ना तो क्या होगा, अधिष्ठान भी कर्ण है और इंद्रिय भी कर्ण है, तो ये गलत हो जाएगा एक तरह से। कर्ण जो हम लोग बोलते हैं ईयर है ना, उसमें स्रोत इंद्रिय निवास करती है, है ना, इंद्रिय स्रोत इंद्रिय निवास करती है, अधिष्ठान रखे रहती है, आश्रय लेके रहती है। तो देखेंगे पंच इंद्रिय कौन कौन सी होती है, स्रोत इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय है ना। उसको देखेंगे पंच इंद्रिय द्रव्य कौन कौन से, तो द्रव्य मतलब प्रत्येक इंद्रिय का उनके सामने जो द्रव्य दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब उस इंद्रिय में किस महाभूत की प्रधानता होती है, पर्टिकुलर स्रोत तथा श्रवण में ये ख आकाश महाभूत प्रधानता होती है। देखते हैं कि श्रवण अर्थात स्रोत इंद्रिय में जो स्पेस होता है ना, जिसके थ्रू साउंड एंट्री करता है, उसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, उपस्थिति होती है। उसमें देखेंगे स्पर्शन इंद्रिय में, टच में है ना, तो वायु महाभूत प्रधानता होती है, चक्षु इंद्रिय में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, रसन इंद्रिय में जल महाभूत की प्रधानता होती है। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस टंग में, जीवा में रसन इंद्रिय होती है ना, रसन मतलब टंग में रसन इंद्रिय होती है, ज्ञान इंद्रिय होती है, जब तक उसको हम खाने को चबाएंगे नहीं अर्थात लिक्विड उसको गीला नहीं करेंगे, आप सूखी रोटी खा लीजिए कोई टेस्ट मिलेगा, कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक कि सलेवा सिक्रीशन ना हो जाए, उसको छोटे छोटे पार्ट में न तोड़ दे, तब तक आपको कोई टेस्ट का ज्ञान नहीं होगा। आप रूखी सूखी खाना खाते हैं उसका टेस्ट नहीं मिलता है, अगर आप उसमें थोड़ा सा स्नेह मिला ले, घृत मिला ले, तेल मिला ले, तो थोड़ा सा स्निग्ध हो जाता है ना। और इसलिए हम लोग खाने को लिक्विड में दाल है,
सब्जी में डिप करके खाते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ रोटी खाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पंचेंद्रिय द्रव्य क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, एक सिक्वेंस याद कर लीजिएगा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और स्रोत का आकाश, स्पर्शन का वायु, चक्षु का अग्नि, स्पर्श रसन का जल, और घ्राण का पृथ्वी होता है। अब पंचेंद्रिय अधिष्ठान की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अधिष्ठान क्या है, कर्ण त्वचा अच्छी जीवा नासा, कर्ण किसका है, स्रोतेंद्रिय का है, त्वचा अधिष्ठान किसका है, स्पर्शेंद्रिय का है, अच्छी अधिष्ठान किसका है, देखेंगे चक्षु और अस्थि, अच्छी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, चक्षु और अच्छी, तो अच्छी जो है अधिष्ठान, अ से अच्छी, अ से अधिष्ठान, याद रखिएगा, अ से अस्थि अच्छी, अ से अधिष्ठान, तो चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठान अच्छी होता है ना, आईबाल जिसको बोलते हैं, अच्छी मतलब आईबाल। जीवा, जीवा जो अधिष्ठान किसका है, रसनेन्द्रिय का है, हम लोगों ने बोला था ना कि टंग, जीवा मतलब टंग किसका अधिष्ठान है, रसनेन्द्रिय का है, और नासा जिसके द्वारा स्मेलिंग करते हैं उसका, ये किसका अधिष्ठान है, घ्राण इंद्रिय का है ना, तो घ्राण इंद्रिय का है। पंचेंद्रिय अर्थ की बात करते हैं, उनके विषय की बात करते हैं, तो हर एक इंद्रियों का जो विषय होता है, जिस तरह से आपने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का सीक्वेंस याद किया, उसी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सीक्वेंस याद कर लेंगे, तो स्रोत्र का शब्द हो जाएगा, स्पर्शन का स्पर्श हो जाएगा, चक्षु का रूप हो जाएगा, रसन का रस हो जाएगा, और घ्राण का गंध जो विषय या अर्थ हो जाता है। पंचेंद्रिय बुद्धि, पंचेंद्रिय बुद्धि में बिल्कुल दिमाग नहीं करना, जो जो ज्ञानेंद्रिया याद किया आपने, जो इंद्रिया याद किया है, उसी के नाम के आगे बुद्धि लगा देना है, उसी के नाम के आगे बुद्धि लगा देना है, स्रोत के आगे स्रोत्र बुद्धि, स्पर्शन के आगे स्पर्शन बुद्धि, चक्षु के आगे चक्षुर बुद्धि, रसन के आगे रसन बुद्धि, घ्राण के आगे घ्राण बुद्धि। तो इस तरह से आपका इंद्रिय पंच पंचक कंप्लीट हो जाता है। आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, तो आप ये लिखो ना लिखो, लेकिन उसका मीनिंग लिखोगे कि इंद्रिय पंच पंचक का मतलब होता है कि पांच ज्ञानेंद्रिया होती है, पांच इंद्रियों के द्रव्य होते हैं, तो एक एक लाइन में लिखेगा पांच ज्ञानेंद्रिया, 1 2 3 4 5, दूसरे मतलब फिर नेक्स्ट एक दो लाइन छोड़ के, दो तीन लाइन छोड़ के पंच इंद्रिय द्रव्य कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, और पंच इंद्रिय अधिष्ठान। तो चाहे तो आपके पास समय कितना है, नंबर कितना का है, तो समय अगर सफिशियंट है तो कोशिश करिए कि 1 by 1 लिखिए और लास्ट में इसको बना दीजिए, है ना, अगर न बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बना देंगे तो आपका पूरा है, लेकिन पेज भरना है तो इसके अलावा आपको वो भी लिखना पड़ेगा अलग, पंचेंद्रिय स्थान कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5, पंचेंद्रिय अर्थ, पंचेंद्रिय बुद्धि, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और नंबर भी खूब मिल जाएंगे। धन्यवाद।